हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत खास वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में हैं। आपके एग्जाम फॉर्म की डेट, जैसा कि बच्चा कई बार नोटिफिकेशन आए, पोर्टल भी ऑन हुआ, एग्जाम फॉर्म भी कुछ बच्चों ने भरा, उनकी फी भी सबमिट हो गए, लेकिन फिर से अचानक से पोर्टल बंद कर दिया जाता है और डेट पे डेटें आ रही हैं कि आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म अब से भराए जाएंगे, अब से भराए जाएंगे। बच्चा, अभी 2 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन का अपडेट आया था कि 7 तारीख से 7 तारीख से यानी भराया जाएगा, लेकिन अब भी पोर्टल आपका ओपन नहीं हो रहा है। तो आज एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें यूनिवर्सिटी ने बताया है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म से कब भराए जाएंगे। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए खास है, अगर आप बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे बीएड सेकेंड ईयर में हैं या फर्स्ट ईयर में हैं, अगर आप चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बच्चा बीएड कर रहे हैं, तो आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि जो भी आपके अपकमिंग नोटिफिकेशन है, लाइक आपके एग्जाम्स कब होंगे, प्रैक्टिकल कब होंगे, वो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो बच्चों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके जितने भी लेटेस्ट अपडेट होंगे हम आपको इस चैनल पे देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो बच्चा, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत सारी डेटें आई आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने को, लेकिन अभी तक आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म नहीं भराए गए। आज आप देख पा रहे हैं बच्चा, यहां पर यूनिवर्सिटी ने फिर से एक नया डेट दिया है आपको, छात्र छात्राओं हेतु। इसके ऊपर भी लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसलिंग के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध राजकीय अनुदानित स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों संस्थानों में प्रवेशित छात्रों सत्र 2020 और 22 द्वितीय वर्ष की बात हो रही है। ध्यान देना, 2020 और 22 द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षा विश्वविद्यालय पोर्टल पर संबद्ध अल्पसंख्यक संस्थानों के पंजीकृत छात्रों के सत्र 2020-22 द्वितीय वर्ष मुख्य परीक्षा सत्र 2018 और 20 में प्रविष्ट छात्र छात्राओं भूतपूर्व परीक्षार्थियों के रूप में तथा मुख्य परीक्षा सत्र 2019-21 2021 में द्वितीय वर्ष के साथ सम्मिलित अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों भूतपूर्व केवल एक बैक पेपर परीक्षार्थियों के रूप में परीक्षार्थियों की परीक्षाएं शीघ्र प्रारंभ कराई जानी प्रस्तावित हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, आप सभी को जो परीक्षाएं बच्चा बहुत शीघ्र ही कराई जाने वाली हैं, लेकिन उसके पहले क्या है, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियां क्या है उसको भी आप जान लीजिए। इन तिथियों को आप इसमें इतने टाइम पे आप जो है अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म भर दीजिए, तो आपके एग्जाम भी बहुत जल्दी ही कंडक्ट कराए जाएंगे। जैसे बच्चा, यहाँ पर आपके एग्जाम्स ऑनलाइन फॉर्म का जो परीक्षा फॉर्म है उसका डेट दिया गया है, छात्र छात्राओं हेतु वेबसाइट पर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने जाने की प्रारंभिक जो तिथि है बच्चा 11/5/2022 है, यानी 11 मई 2022 से आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म भराए जाएंगे। वहीं पर छात्र छात्राओं द्वारा परीक्षा फॉर्म वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने एवं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि होगी बच्चा 20/5/2022 तक होगा। आपके फॉर्म 11/5/2022 से भराए जाएंगे, 20/5/2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। छात्र छात्राओं द्वारा समस्त आवश्यक पत्रा जातों सहित भरी गए संदर्भित परीक्षा फॉर्म को ऑनलाइन सत्यापन कराए जाने हेतु संबंधित महाविद्यालय संस्थानों में जमा कराने की जो अंतिम तिथि है बच्चा 21/5/2022 है, यानी 21/5/2022 तक आपको अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म यूनिवर्सिटी में जमा करा देने हैं। वहीं पर कहा जा रहा है, महाविद्यालय संस्थानों द्वारा NR सहित परीक्षा फॉर्म NR के क्रमानुसार विश्वविद्यालयों के बीएड परीक्षा विभाग में जमा कराए जाने का जनपदवार अंतिम जो तिथि है बच्चा बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं शामली, इन जिलों की जो लास्ट डेट है बच्चा 23/5/2022 तक, 24/5/2022 तक है, यानी 24 तक भी अपने एग्जामिनेशन के फॉर्म के बच्चों को, जो बच्चों के फॉर्म होंगे उनको जो है यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हैं। ये सारी चीजें हैं बच्चा, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाएंगे तभी आपके एग्जाम्स होंगे। देखो आगे लिखा भी है, सत्र 2020-22 द्वितीय वर्ष व उससे पूर्व प्रविष्ट छात्रों के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा आयोजित कराई जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं बच्चा, आप जाके पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, परीक्षा फॉर्म आप जल्दी से भर लीजिए। बस इतना ध्यान रखना, जब भी परीक्षा फॉर्म भरना कोई मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फॉर्म भरते वक्त बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और बाद में उनको परेशान होना पड़ता है। तो ऐसी कोई मिस्टेक मत करिएगा जिसकी वजह से आपको बाद में तकलीफ या दिक्कतें आए। आप जो है अपने फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरिएगा और सब कुछ अच्छा रहेगा। सो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत सारा प्यार।